हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश राज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं KVS NVS UP MP झारखंड वाला जो चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी तक आए हैं। इसमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एंट्रेंस में, बायोलॉजी के एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा की, एनिमल किंगडम के अंतर्गत बात कर रहे हैं पोरीफेरा की। तो हम इसके आगे का वीडियो बढ़ाएँ उससे पहले रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, हमारी प्लेलिस्ट पर आप देखेंगे ये बायोलॉजी सॉल्व पेपर में, तो उसमें KVS और NVS और आपका UP और अभी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं वो भी सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, RPSC का भी सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, तो उसको देखिएगा। उसके अलावा हम क्षमा मांगेंगे, अंतिमा अंतिमा करके हमारे भाई दर्शक हैं, तो उन्होंने शिकायत की है कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हिंदी में आप पढ़ाइए, मगर आप मान नहीं रहे, तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे पास हिंदी में उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा है कि हम चाहते तो हैं आपकी समस्या सॉल्व करें, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमें क्षमा करिएगा। और आप इसको देखिएगा, इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको आप तुरंत हिंदी में पढ़ के और उसका मतलब निकाल लीजिएगा, चूँकि आप PG हैं तो समझदार हैं और बायोलॉजी में मटेरियल बहुत कम मिल पा रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, रिजर्व फूड इन स्पंज, निम्नलिखित में कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं, पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट। तो इनमें जो भोजन संचय का कार्य करती हैं वो है थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स क्या होता है कि ये भोजन संचय करती हैं, जो ट्रोफोसाइट होती है ये नर्व सेल्स होती हैं, कोइनोसाइट को टीप सेल्स बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इन द साइकन अकर, साइकन में निषेचन होता है तो कैसा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, तो इंटरनल इन द स्पंजोसिल, स्पंज गुहा के अंदर होता है। एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्कोनाइट जो कैनाल सिस्टम होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये देखने को सिंपलेस्ट कौन है, हम लोगों ने इंटर में शुरुआत में किसको पढ़ा, तो ल्यूकोसोलिनिया, तो सबसे सिंपल था तभी पढ़ा, तो ये ल्यूकोसोलिनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, देखिए यही इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया, मगर उसने यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया। हमने आपसे बताया था कि वही क्वेश्चन का 6 बार यहाँ हम दें, मगर अगर भाषा चेंज है तो उसको घुमा घुमा के उतने ही बार दिया गया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, तो साइकोन, ओबिलिया, एस्ट्रेसिस और ब्रैंकियोस्टोमा, तो सिंपल सी बात है साइकोन में। हम आपको बताएं जो भी पेपर सॉल्व करा रहे थे उसमें जैसे मान लेते हैं एक पेपर आया, फिर वो क्वेश्चन 2 पेपर बाद वही आया, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं रिपीट हुआ है, मगर यहाँ हमें तुरंत पता चल रहा है कि रिपीट हुआ है, या उसको बार बार हम पढ़ते हैं घुमा घुमा तो वो रट जाता है। द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकन इज, साइकन का पोला ब्लास्टुला होता है तो वो होता है एम्फी ब्लास्टुला, क्या कहलाता है, एम्फी ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइक्यूल आर फाउंड इन, तो स्पाइक्यूल हमें साइकन में दिखाई देते हैं, किसमें दिखाई देते हैं, साइकन में दिखाई देते हैं स्पाइक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, देखिए यहाँ फिर उसने पूछा था, क्वेश्चन बदला, अभी वही चीज़ें आ रही हैं। कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, तो कोइनोसाइट्स हमें कहाँ मिलती हैं, तो वो हमें मिलती हैं बताइएगा, बोथ या सिंगल, तो साइकॉन में हमें कोइनोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं। ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी, अब देखिए अब जो शुरू हो रहा है, तो हमारा साइकन खत्म हुआ, अब हमारा शुरू हो रहा है आर्थोपोडा, अब हम बात कर रहे हैं आर्थोपोडा की, तो आर्थोपोडा के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आर्थोपोडा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी, हरित ग्रंथियां उत्सर्जी होती हैं प्रॉन की इस और बिच्छू की, केचुए की, पाइला की, तो किसकी होती हैं, ग्रीन ग्लैंड, तो ग्रीन ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी होती हैं वो होती हैं प्रॉन की, सॉरी इसकी प्रॉन की, हाँ वही सही है। अरे भाई, इन्होंने केवल एक क्वेश्चन उठा कर रखा है और ये शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है सीलेंट्रेट, तो हम लोग देख लेंगे सीलेंट्रेट, मुझे लगा इस क्वेश्चन से कि जैसे आर्थोपोड इन्होंने दिया हो। द फर्टिलाइजेशन इन द साइकन टेक प्लेस इन, तो वो होता ही है, कहाँ होता है, विद इन कोइनोसाइट्स, ऑप्शन क्या होगा, विद इन कोइनोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलेंट्रेट, इनमें से कौन सा सीलेंट्रेट है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सीलेंट्रेट है, तो आप हमें बताइएगा कौन है, सी फैन, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स, सी लिली, तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सही होगा इसका ए, सी फैन, क्या ऑप्शन होगा, सी फैन जो है वो हमारा है क्या है, सीलेंट्रेट है।
ध्यान रखिएगा, हम आपको कुछ नाम बताए दे रहे हैं और आप उनको नोट कर लीजिएगा। ओबिलिया को देखिए, हम कुछ कॉमन नाम बताए दे रहे हैं और आप उनको नोट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सीलेंट्रेटा में तो ओबिलिया को सीफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीफर। मेलीपोरा को बोलते हैं स्टिंगिंग कोरल। फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगाल मैन ऑफ वार। क्या बोलते हैं? फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगाल मैन ऑफ वार। वेलेला को बोलते हैं लिटिल सेल। ऑरिलिया को बोलते हैं जेलीफिश। मैट्रिडियम को बोलते हैं सी एनिमोन। मैट्रिडियम को बोलते हैं सी एनिमोन। एडामसिया को बोलते हैं सी एनिमोन। देखिए, मैट्रिडियम को भी सी एनिमोन बोलते हैं, एडामसिया को भी सी एनिमोन बोलते हैं। पेनेटुला जो होता है उसको सी पेन बोलते हैं। देखिए, पी से पेन हो गया। कोरेलियम को बोलते हैं प्रेसियस रेड कोरल। कोरेलियम को बोलते हैं प्रेसियस रेड कोरल। मेंडेरियन को बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो मेंडेरियन से माइंड भी होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं ब्रेन कोरल। ट्यूबीपोरा को बोलते हैं ऑर्गन पाइप कोरल। हेलियोपोरा को बोलते हैं ब्लू कोरल। एस्ट्राई को बोलते हैं स्टोनी कोरल। वर्गुलेरिया को बोलते हैं वॉकिंग स्टिक। फंजिया को बोलते हैं मशरूम कोरल। एल्केनियम को बोलते हैं डेड मैन फिंगर। एल्कोनियम को बोलते हैं डेड मैन फिंगर। तो ये नाम थे जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, आप ये इंटर की किताब में मिल सकते हैं आपको, तो इनको देख लीजिएगा और बीएससी में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलियंथस स्टेज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ। ओलियंथस स्टेज किसके डेवलपमेंट में दिखाई देती है बताइएगा। ओलियंथस स्टेज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो वो किस में दिखाई देती है? साइकॉन में हमें दिखाई देती है। कौन सी स्टेज? ओलियंथस स्टेज। किस में दिखाई देती है? साइकॉन में। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडामसिया एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। इट इज़ द पैरासाइट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसेलिज्म, इट इज़ कॉल्ड सी एनिमोन। तो क्या है? एडामसिया। तो देखिए, अभी यही तो मैं कहता हूँ कि अगर आप हमें ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समस्याएँ सॉल्व होंगी। एडामसिया भी हमने बताया था, एडामसिया को क्या बोलते हैं? सी एनिमोन बोलते हैं। और मैट्रिडियम को भी सी एनिमोन बोलते हैं। तो देखिए, अभी हमने नाम बताया, उसमें तो क्वेश्चन ये रखा है एडामसिया एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। तो एक तो सी एनिमोन हमें पता चला गया कि इसे सी एनिमोन के नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा। ऑप्शन इसका जो सही है वो बी सही है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसेलिज्म एंड इट इज कॉल्ड द सी एनिमोन। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पैलियम, रिफेलियम, नियोपैलियम और नेपिलिना। तो इसके कोड आप दिए हैं, ए बी सी डी करके दिए हैं। इसका आंसर जो कोड दिया है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन पेल्जिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन पेल्जिक, तो बताइएगा। बोथ बी और सी, नॉक्टिल्यूका एंड फाइसेलिया। और अभी हमने बताया था फाइसेलिया का दूसरा नाम आपको बताया था, अगर याद दिया हो तो, इसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी बोलते हैं, अभी हमने बताया था। साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर आप बताइएगा भाई। अभी हमने आपको बताया कि साइंटिफिक नेम ऑफ द सीफर, हमने अभी नाम लिए थे आपको, तो आप बताइएगा, हमें आंसर दीजिएगा। तो अभी हमने बताया था कि ओबिलिया को सीफर के नाम से जानते हैं, तो देखिए वो आ गया। फिर से सुनिए, ओबिलिया को सीफर कहते हैं, मिलीपोरा को स्टिंगिंग कोरल बोलते हैं, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, वेलेला को लिटिल सेल बोलते हैं, और
पैसलेमस को सी वास्प बोलते हैं, ऑरिलिया को जेलीफिश बोलते हैं, मेटिडियम को सी एनीमोन, एडामसिया को सी एनीमोन, पेनुला को सी पेन, कोरेलियम को प्रेसियस रेड कोरल बोलते हैं, मैंडीरियन को ब्रेन कोरल बोलते हैं, टीबीपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं, हेलियोपोरा को ब्लू कोरल बोलते हैं, एस्ट्राई को स्टोनी कोरल बोलते हैं, वर्गुलेरिया को वॉकिंग स्टिक बोलते हैं, फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं, एल्काइनियम को डेड मैन फिंगर बोलते हैं। तो ये देखिए मिल गया आपको, ये क्वेश्चन बहुत इनके उपनाम पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is not a coral reef? इनमें से कोरल रीफ कौन सी नहीं है? तो इनमें से कोरल रीफ एटॉल देखिए है, फ्रिंगिंग रीफ है और बैरियर रीफ है। ये आपको बीएससी में मिलेगा जब आप सेलेंटेट पढ़ेंगे, तो उसमें कोरल रीफ दिया हुआ चैप्टर पूरा, खासकर उसमें कोटपाल त्यागी की बुक में, रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें दिया। तो लोगूंस नहीं, लोगूंस बीच का हिस्सा होता है जिसमें वाटर भरा रहता है। तो ये तीनों कोरल रीफ्स हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज, तो जो हम लोग लाल मूंगा पहनते हैं ना मंगल की शांति के लिए, तो वही है रेड कोरल। तो साइंटिफिक नेम रेड कोरल का क्या है आप बताइएगा, बिल्कुल अभी हमने बताया है। तो कोरेलियम क्या बोलते हैं? कोरेलियम, अरे वाह भाई, हमने तो जो बता रहे हैं बिल्कुल, हमने 10-12 नाम बताए और वो सारे नाम दिए हुए हैं आप, ये भी तो देखे चमत्कार हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरेलियम रूब्रम, तो हमने कोरेलियम का बताया था तो रूब्रम ये लगा हुआ है। वैलेरियम इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएट विद ऑरिलिया एंड, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन सही है, अनलाइक ट्रूविलम एंड हाइड्रोजोवन मेड्यूसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइज मेट्रीडियम, देखिए मेट्रीडियम का दूसरा नाम अभी हमने बताया था, मेट्रीडियम को हम किसके नाम से जानते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो, सी एनीमोन इसे भी बोलते हैं। दो सी एनीमोन बताए थे, एक कभी आप सुना चुका, इट बिलोंग द क्लास हाइड्रोजोवा, इट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी डिवाइड इन 6 पेयर्स ऑफ द प्राइमरी, इट इज हर्माफ्रोडाइट, इट इज नो स्केलेटन, तो इट इज हर्माफ्रोडाइट। विच आर द फॉलोइंग कोरल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलेट्री कोरल, कोरल इनमें से वो कौन सा कोरल है जो एकाकी रहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो इसका ऑप्शन बी सही था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सेलेंटेट बिलोंग टू द सब क्लास हेक्सा कोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ, तो आप बताइएगा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सेलेंट्रेट है, चूंकि सेलेंट्रेट पढ़ा रहे हैं और सेलेंट्रेट के हम कुछ आपको बातें भी बता दें जो आपके महत्वपूर्ण हैं। सेलेंट्रेट को नाइडेरिया के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोज एनिमल आल्सो पजेस द कैप्टी सेलेंट्रॉन, चूंकि इनमें जो बीच का खाली स्थान होता है उसे सेलेंट्रॉन बोलते हैं, तो इनको इसीलिए सेलेंट्रेटा भी बोलते हैं। और जो सेलेंट्रेटा नाम दिया था वो दिया था ल्यूकॉर्ट ने, किसने दिया था? 1847 में ल्यूकॉर्ट नाम के वैज्ञानिक ने सेलेंट्रेट नाम दिया था। ये एक खास बात होती है, ये रेडियल इसमें त्रिज्या सममित जो पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री होती है, क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोशिका ऊतक श्रेणी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो शरीर होता है वो कोशिका ऊतक ग्रेड का या श्रेणी का होता है, और इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो होती है तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और हम आपको बता दें कि पोरी फेरा भी डिप्लोब्लास्टिक थे, दोनों हैं। और ये होते क्या हैं? तो ये एक्वाटिक होते हैं, नाइडेरियन अधिकतर जो एक्वाटिक होते हैं, इनमें पोरी फेरा और इकाइनोडर्मेटा भी एक्वाटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, पोरी फेरा इकाइनोडर्मेटा भी एक्वाटिक होते हैं और नाइडेरिया, तो तीनों जो हैं अधिकतर जली हैं। और इसमें से जो सोलेट्री एकाकी होता, हाइड्रा होता, जो कॉलोनी में ओबिलिया पाया जाता है, और सेडेंट्री में ओबिलिया पाया जाता है, फ्री स्विमिंग जो करता है वो ऑरिलिया पाया जाता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोलेट्री कौन पाया जाता है, तो हाइड्रा, कॉलोनी में कौन पाया जाता है, ओबिलिया, और सेडेंट्री में कौन पाया जाता है, ओबिलिया ही पाया जाता है, और स्वतंत्र कौन तैरता है, तो ऑरिलिया तैरता है जिसे जेलीफिश के नाम जानते हैं। तो ये तीन बिंदु आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
और इनमें क्या होता है, एक और बता दें कि नाइडेरियन एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म, ये बहुरूपता दिखाते हैं, द्विरूपता दिखाते हैं, पॉलीपॉइड एंड म्यूडोसॉइड यानी मेटाजिनेसिस एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, और इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो पॉलिप अवस्था में होता है, ये एसेक्सुअल फेस इज जनरली पॉलिप होती है और सेक्सुअल फेस मेड्यूसा होता है, तो ध्यान रखिएगा इनमें जो मुख्यतः दो स्टेज देखते हैं मिलती हैं पॉलिप और मेड्यूसा, तो पॉलिप जो स्टेज होती है मतलब पॉलिप ऐसे याद रखो, पॉलिप मीन्स प्राइमरी, पी से पॉलिप पी से प्राइमरी, शुरुआत में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है, मेड्यूसा तो फिर क्या आया मिडिल, मिडिल माने होता है मध्य में, और उसके बाद क्या होता है प्राइमरी के बाद मध्य आता है तो उसमें होता है सेक्सुअल, तो मेड्यूसा सेक्सुअल, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है तो इसलिए हमने आपको इसका जिक्र किया, आगे फिर हम आपको बताएंगे नहीं तो क्वेश्चन हमारे और छूटेंगे। इसका ऑप्शन बी सही था, यूट्रीसिनिया और जोएंथस और एडवर्ड डेसिया, तो ये था डिप्लोब्लास्टिक अगुही अवस्था पाई जाती है इसमें, तो देखिए वही अभी जो हमने बताया डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन, तो वो किस में हमें देखने को मिलती है, तो आप बताइएगा सी एनीमोन में देखने को मिलती है, और हमने सी एनीमोन इसके दो जंतुओं को अभी बताया है और दोनों जंतुओं को सी एनीमोन बोलते हैं, किसको किसको बोलते हैं तो एडेमसिया को बोलते हैं और मैटिडियम को बोलते हैं। चलिए अभी देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे सर मजाक क्या कर रहे हैं जो जो सर ने बताया, मैं वाकई मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखे थे मगर हमने आपको आंसर इसका, कॉमन नेम ऑफ फंजिया, फंजिया को क्या बोलते हैं, तो देखिए फंजिया ऐसे याद कर सकते हैं कि इसे कुकरमुत्ता कोरल या मशरूम कोरल, तो फंजिया किससे फंजाई से बना है, फंजिया किससे बना फंजाई से, और फंगस को क्या बोलते हैं मशरूम बोलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। नेमाटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं, तो दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं सीलेंट्रेटा में, क्या पाई जाती हैं दंश कोशिकाएं सीलेंट्रेटा में हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम नेमाटोसिस्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं नेमाटोसिस्ट के नाम से जानते हैं, और ये एक मुख्य रोल उत्पन्न करती है, नेमाटोसाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकोमोशन, इनका मुख्य कार्य होता है चलन में मदद करना और भोजन को पकड़ने में मदद करना, और क्या करते हैं भोजन को शिकार करना, दूसरा रक्षा करना, तो तीन काम होते हैं चलने में मदद करना, लिखेगा चलने में मदद करना, भोजन को पकड़ने में मदद करना और रक्षा करना, तीसरा उसको ख़त्म करना भोजन को। तो आप समझ गए होंगे कि दंश कोशिकाएं क्या होती हैं, तो चूंकि इतना ही था और इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण था, और आप हम आपको बता दें कि नेमाटोसाइट में एक प्रकार का जहर पाया जाता है, नेमाटोसाइट में एक प्रकार का जहर या पॉइजन जिसे बोलते हैं पाया जाता है, जिसे हैपनोटॉक्सिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हैपनोटॉक्सिन, HYPNOTOXIN, ये कई बार आया शायद पूछा भी जाए, हैपनोटॉक्सिन प्रायः प्रोटीन और फिनॉल्स का बना होता है, ये हैपनोटॉक्सिन किसका बना होता है मुख्यतः प्रोटीन का, और कुछ मात्रा किसकी होती है फिनॉल्स की होती है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और आप लिख के रखिएगा, और मैं जो भी मुझसे बन पा रहा है वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम, तो वो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछ दिया, यहाँ उसने घुमा दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक करके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हेलिमेंथस में पाई जाती है, स्पंज और सीलेंटेटा में कैसे डिप्लोब्लास्टिक होती है, बाउचेरिया कॉजेस बाउचेरिया पैदा करता है तो एलिफेंटेसिस रोग पैदा करता है, तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बता, देखिए आप कमेंट्स में कंजूसी मत करिए, आप करते रहेंगे तो हम भी सक्रिय रहेंगे आप भी सक्रिय रहेंगे, अच्छा लगता है आप जब रिप्लाई करते हैं कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि हमें सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसी के साथ नमस्कार शुभरात्रि।